आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एंथला एंथम कॉलोनी की नीलामी मामले में आम आदमी पार्टी ने आवास विकास के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी का कहना है कि आवास विकास की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी 166 करोड़ के आसपास नीलाम कर दी गई, जिसकी नीलामी की सूचना आगरा के अखबारों में न निकलकर लखनऊ के अखबारों में निकाली गई थी। भारतीय किसान संघ ने सरकार से ये सुझाव दिया है, मांग की है कि प्रत्येक जिले में एक कृषि स्वतंत्र कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए और उसमें 1 महीने के अंदर अंदर किसान को न्याय देने की व्यवस्था उसमें की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरह के जो भारतीय किसान संघ के सुझाव माने नहीं, इसी कारण आज किसान आंदोलन सड़क पर हो रहा है। सरकार के गले की फांस बन गया है ये किसानों का आंदोलन। भारतीय किसान संघ भी इन मांगों को किसान हित में मनवाने के लिए 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को ये अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है कि किसान संघ ने जो सुझाव और मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं, इनको अविलंब सरकार पूरा करे किसान के हित में। नहीं करेगी तो किसान संघ भी सड़कों पर उतर के आएगा। उस बिल में जो खामियों से दूर करने के लिए हम अपने सुझाव 20,000 जो प्रस्ताव भेजे गए थे उनके माध्यम से हम दे चुके हैं, वो किसानों के हित में माननी चाहिए सरकार को। किसानों के भी दो गुट हैं, मतलब दो गुट बने हुए हैं। एक किसान कह रहे हैं कि हम 6 महीने साल भर तक हम धरने पर बैठ सकते हैं, हमारे इतने सक्षम हैं, और दूसरा किसान कह रहा है कि भाई अगर मैं कल काम पर नहीं जाऊँगा या कल खेती में नहीं करूँगा तो फिर मैं बेरोजगार हूँ, भाई मेरे बच्चों को उस पर क्या कुछ कहेंगे। किसान कभी भी धरना नहीं देना चाहता और न उसकी लंबी सीमा होती, क्योंकि उसे खेती में कार्य करना है। मानव जीवन में जीव जंतु सहित सभी की सेवा और पेट भरने की व्यवस्था केवल किसान करता है, तो वो किसान ही कार्य करता है, आंदोलन नहीं कर सकता वो। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो या ऐसे कुछ दल हैं जो अनावश्यक रूप से किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। भारतीय किसान संघ सदैव देश हित में समाज हित में काम करता है, तोड़ फोड़ के उसमें नहीं है। सावधानीपूर्ण अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन ज्ञापन और आंदोलन करता रहा। तो कई बार दिए गए हैं किसानों के जो नेता हैं उन्होंने सुझाव दिए सरकार को, सरकार मान्यता दी है। हाँ, ऐसे एक तो भारतीय किसान संघ का यह है कि हमारा जो समर्थन मूल्य है MSP वो लागू हो, दूसरा मंडी के बाहर जो भी खरीद करने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो,